सेल में प्यूमा के इश्यू को लेकर बहुत सारी क्वेरीज आई थी, तो मैं भी गया था स्टोर पर और इसको परचेस कर लिया। मॉडल नेम है प्यूमा वायर्ड किड स्नीकर, जो कि एक रनिंग शू प्लस ट्रेनिंग शू भी है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चूज करूंगा हेल्प करने में कि क्या आपको ये शू लेना चाहिए कि नहीं, एंड फर्दर बात करेंगे इशू के बारे में डिटेल में। पर उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और किसी भी पॉइंट पर अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो 2 सेकंड पॉज करके सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा लेना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस आउट ना कर जाए। एंड चलिए एक बारी बात कर लेते हैं इशू के बॉक्स की ओर। तो यहाँ पर आपको वही सिमिलर सा बॉक्स रिसीव होगा जो कि हर प्यूमा के शूज़ के साथ आता है। बॉक्स के इस तरफ में आपको मॉडल नेम, साइज एंड प्राइसिंग देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में हम फर्दर बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। फाइनली गाइस, आप लोग देख सकते हैं प्यूमा वाइट केज स्नीकर्स। तो गाइस, चलिए बात कर लेते हैं शू के बिल्ट इन डिज़ाइन के ऊपर। तो ये शू एक प्रॉपर ब्लैक शू है जो कि लुक वाइज बहुत ही तगड़ा दिख रहा है, एंड ये किसी भी आउटफिट के साथ इजीली मैच भी कर जाएगा और अच्छा भी लगेगा। अब बात करते हैं शू के स्पेसिफिक आउटर डिज़ाइन के ऊपर। तो आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट ट्रांजिशन में हेक्सागोनल पैटर्न्स को फॉलो करा गया है इनर लेयर में, एंड ये इतने छोटे प्रोवाइड कर रखे हैं कि आपको क्लोजली देखने पर ही विजिबल होंगे। अपर लेयर की बात करें तो आपको यहाँ पर एक एडिशनल नेटिंग देखने को मिलेगी जो कि एज अ फिल्टर एंड ब्रीदिंग जैसा वर्क करेगा रनिंग के दौरान। इसके अलावा शूज़ में लिटरली सब जगह पर मैश प्रोवाइड कर रखा है जो कि आपकी ब्रीदिंग को प्रॉपर करेगा, एंड रनिंग के दौरान आपको कोई भी स्वेटिंग को लेकर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। वहीं अगर मैं शू को टर्न कर रहा हूँ फ्रंट साइड की ओर, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नया सा प्रोवाइड कर रखा है, जैसे कि लेसेस के नीचे यहाँ पर एक इलास्टिक का बैंड अटैच कर रखा है और उसी के ऊपर आप एक प्यूमा का लोगो भी फाइंड आउट कर पाएंगे, एंड ये कहीं ना कहीं बहुत ही प्रीमियम फील करा रहे हैं। वहीं अगर हम शिफ्ट करें इसके बैक साइड की ओर, तो बैक साइड में भी एक प्यूमा का लोगो हाईलाइट कर रखा है सिंथेटिक पैच के ऊपर, उसी के ऊपर आपको एक और स्ट्रैप अटैच देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं शू के बैक सोल के ऊपर। तो बैक सोल में सिंपली ट्रायंगल पैटर्न्स को फॉलो कर रखा है अप टू डाउन वेरिएशन में, एंड ये सॉलिड फॉर्म में। अप साइड एंड बैक साइड में आपको हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलेगा डिज़ाइन में, जो कि आपके आर्च सपोर्ट को इम्प्रूव करेगा, एंड रनिंग में इसी के कारण आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस मिलने के चांसेस रहेंगे। मटेरियल की बात करें तो वो यहाँ पर ईवा प्रोवाइड कर रखा है, एंड बिलीव मी गाइस, इसकी क्वालिटी अच्छी है। मैं एक बार आप लोगों को बैक सोल भी प्रेस करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि गाइस आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कहीं पर भी प्रेस कर रहा हूँ सोल एरिया में, तो मुझे यहाँ पर कंपेरेटिवली फ्रंट वाला एरिया थोड़ा सा सॉफ्ट लगा है बैक साइड से, एंड इसी रीजन से शूज थोड़े से फ्लेक्सिबल भी रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं शू के साइड सोल के ऊपर। तो साइड सोल में इस बार स्पेशली पूरा प्लेन एंड सिंपल छोड़ा गया है, कोई भी डिजाइन एंड पैटर्न आप लोग यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। वहीं अगर मैं शू को टर्न कर रहा हूँ तो इस तरफ भी सेम ओवरव्यू फाइंड आउट कर पा रहा हूँ। सोल हाइट की बात करें तो वो यहाँ पर कुछ 1.8 इंच यूज़ कर रखी है, एंड नॉट ओनली दिस, सोल को आउटर से स्टिच कर रखा है ताकि ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे एंड ये इजीली रिमूव नहीं हो जाए। लेसेस की बात करें तो यहाँ पर आपको राउंड लेसेस प्रोवाइड कर रखे हैं जो कि एक रनर के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट रहते हैं, क्वालिटी में भी अच्छे हैं, एंड पीछे की ओर आप लोग एक और प्यूमा का लुक को फाइंड आउट कर पाएंगे। अब गाइस बात कर लेते हैं शू के इनर सोल एंड वेट के ऊपर। इन सोल की बात करें तो एक बार मैं आप लोग को इसका इनर मटेरियल भी निकाल के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल लेयर प्रोवाइड कर रखी है, चूँकि एक्चुअल में फॉर्म एंड रबर का मिक्सचर है, दोनों की यहाँ पर क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रखी है, एंड इसी रीज़न से आपको कंफर्ट अच्छा मिलेगा रनिंग एंड वॉकिंग के टाइम। वहीं अंदर की ओर सरफेस प्लेन करने के लिए एक सिंथेटिक की लेयर भी अटैच कर रखी है, एंड ये प्रेस करने पर बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इसी रीज़न से आपको स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। वेट की बात करें तो यहाँ पर आपको एक शू का वेट देखने को मिलेगा कुछ 185 ग्राम का, दोनों ही शू में यहाँ पर इवन 1 ग्राम का भी डिफरेंस नहीं है। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि ये शू कितने ज़्यादा लाइट वेट है। नॉट ओनली दिस, अगर आप लोग इस शू को पहनकर वॉक या फिर रन करेंगे तो उस टाइम पर ये फील भी नहीं होने वाले, एंड अपार्ट फ्रॉम इट, अगर ये शू इतने ज़्यादा लाइट वेट है तो नो डाउट आप लोगों को जिम में भी ये बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। इसके अलावा शूज़ में कंफर्ट मेंटेन करने के लिए ऊपर साइड फॉर्म की पैडिंग कर रखी है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, एंड मुझे कुछ इस तरफ डिफरेंट कंट्री के साइजेस देखने को मिलते हैं जो कि परचेस के टाइम हेल्पफुल रहेंगे। एंड नेक्स्ट में अगर मैं बात करता हूँ शू के फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट के ऊपर, तो एक बार मैं आप लोगों को ये शू फ्लेक्स करके दिखा देता हूँ सभी एंगल्स है। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, शूज़ इतने ज़्यादा लाइट वेट है कि मैं इनको एक हाथ से भी बहुत आराम से फ्लेक्स कर पा रहा हूँ, पर हाँ मुझे थोड़े बहुत स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं साइड सोल में जो कि दोनों ही तरफ एक जैसे बन रहे हैं। वहीं अगर मैं इसके आउटर की बात करूँ तो ओपनली आउटर में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स बन रहे थे, पर ये टेम्पररी रहेंगे मैच होने के कारण।
अब फाइनली गाइस बात कर लेते हैं शू के वॉकिंग एंड रनिंग टेस्ट के ऊपर। वॉकिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड कंफर्टेबल रहा है। नो डाउट यहाँ पर जो फॉर्म की पैडिंग कर रखी है वो हर स्टेप पर प्रेस होती है और इसी वजह से मुझे यहाँ पर कंफर्ट अच्छा लगा है। नेक्स्ट वही रनिंग टेस्ट की बात करें तो इशू को मैंने दोनों ही सरफेस पे रन करके देखा। पर्सनली गाइस यहाँ पर जो सॉलिड सरफेस पे परफॉर्मेंस आया वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। एंड सेकेंडली यहाँ पर जो हील सपोर्ट एंड आर्च सपोर्ट प्रोवाइड कर रखा है वो आप लोगों को इनिशियल पुश ज़्यादा देगा एंड फ्लेक्सिबल भी ज़्यादा रहेंगे। फिटिंग की बात करें तो ये शू एग्जैक्टली फिट थे मेरे साइज से, मुझे यहाँ पर कोई भी एज सच प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। जंप टेस्ट की बात करें तो एक बार मैं आप लोग को इन शू में जंप करके दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जंप के दौरान शूज़ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, हालांकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स भी बन रहे हैं। अब गाइस एट द एंड हम बात कर लेते हैं शू के प्राइसिंग एंड वर्डिक्ट के ऊपर। ये शू मुझे पड़ा था एक्जैक्टली 1400 रुपीज़ का, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। सेकेंडली अगर मैं बात करता हूँ इसके वर्डिक्ट के ऊपर तो सॉफ्ट सोल मटेरियल एंड मैश क्वालिटी जो अपर में प्रोवाइड कर रखी है वो इसको बहुत ज़्यादा एलिजिबल बनाती है रोड रनिंग के लिए। एंड मैंने भी इसको सॉलिड सरफेस पे रन करके देखा था तो परफॉर्मेंस तो अच्छा मिला ही था। तो मेरी नज़र में इस शू में बिल्ट इन डिज़ाइन एकदम टॉप क्लास यूज़ कर रखा है। और तो और प्यूमा कंपनी का शू है तो आप लोग इस पर इजीली ट्रस्ट भी कर पाएंगे। एंड इसके बहुत सारे मल्टीपल यूसेस हैं, जैसे कि आप लोग इस शू को रनिंग के अलावा कैजुअल यूज़ में भी ले सकते हैं, पार्टी वेयर वगैरह में भी अच्छे लगेंगे क्योंकि ये एक ब्लैक स्नीकर है। इसके अलावा मुझे शू में जो स्ट्रेच मार्क्स बन रहे थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं एंड ये इन फ्यूचर बढ़ भी सकते हैं। तो गाइस अभी तक में अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड कमेंट सेक्शन में बताइए आप सभी के थॉट इस शू को लेकर। मिलते हैं आप सभी से अगली अनबॉक्सिंग में।